योगी के एक आदेश से अधिकारियों के उड़ गए होश। नहीं करेंगे अब लापरवाही बर्दाश्त, सीधा खुद करेंगे लोगों से मुलाकात। अगर उत्तर प्रदेश में 72 घंटे से ज्यादा ऑफिस में अटकी लोगों के काम की फाइल, तो योगी कर देंगे सिस्टम टाइट। अब योगी ने कहा प्रदेशवासियों के साथ नहीं चलेगी लीपापोती, 3 दिन में करना होगा क्लियर काम। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज से पहले इतना गुस्सा कभी नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की, जिसमें वो फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए। सीएम योगी ने इस दौरान पुलिस अधिकारियों के तबादले की चर्चा करते हुए सरकारी दफ्तरों में नागरिक चार्टर लागू करने का निर्देश भी दिया और कहा कि किसी भी कार्यालय में कोई भी फाइल 3 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रहनी चाहिए। सीएम ने कहा कि किसी भी कार्यालय में फाइल ज्यादा दिन तक नहीं रुकनी चाहिए। सभी अधिकारियों और इकाइयों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय होना चाहिए, ताकि बेहतर तालमेल से काम तेजी से किया जा सके। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि किसी भी कार्यालय में कोई फाइल 3 दिन से ज्यादा लंबित ना हो। अगर किसी तरह की समस्या हो तो डीजीपी कार्यालय, गृह विभाग या फिर सीधा मुझसे समय लेकर मिल सकते हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान किया जाना जरूरी है। इसके लिए हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। अगर किसी वजह से काम में देरी होती है तो उसकी जवाबदेही तय की जाए। सीएम ने कहा कि मृतक आश्रितों के प्रकरण में आश्रित की आयु को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए। फिजिकल परीक्षण के नियम व्यवहारिक होने चाहिए। मृतक आश्रितों के प्रकरण का तय समय सीमा के भीतर निस्तारित होना सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने इस दौरान प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर भी चिंता जताई और अधिकारियों को इन घटनाओं को लेकर सतर्क रहने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि साइबर क्राइम रोकने के लिए हर स्तर पर सतर्क रहना जरूरी होगा। साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षक हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो या फिर चिकित्सक हो, इन सब के साथ साथ अलग अलग वर्गों के साथ समय समय पर गोष्ठियां की जाएं, मुलाकात किए जाएं, इवेंट ऐसे किए जाएं जिससे इन लोगों को जागरूक किया जा सके और साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है इसकी ट्रेनिंग दी जा सके। आम लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को साइबर फ्रॉड से बचाना है तो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना है। सभी अधिकारियों को इस निर्देश को जमीन पर लागू करने का सीएम योगी ने निर्देश दिया और साथ ही कहा कि किसी भी कीमत पर ये आदेश लागू होने चाहिए। किसी भी कीमत पर सीएम कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर किसी भी दफ्तर में 3 दिन से ज्यादा फाइल अटकी तो फिर अधिकारी पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि वो अधिकारी और उसके साथ पुश्ते याद रखेंगी। भाई वाह, काम हो तो ऐसा, सीएम हो तो ऐसा। तभी तो सीएम योगी की कार्यशैली की कांग्रेस भी दीवानी है, उसके दुश्मन भी उसके दीवाने हैं, सियासी दुश्मन भी दीवाने हैं। तभी तो कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार सीएम योगी के मॉडल को लागू करने की बात करती रहती है। उसके शिक्षा मंत्री हो या फिर कोई भी हो, उसके शिक्षा मंत्री से लेकर विक्रमादित्य सिंह ने भी ये साफ कर दिया था कि सीएम योगी का मॉडल ही सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। इसी मॉडल पर बात होनी चाहिए, इसी मॉडल पर काम होना चाहिए और इसी मॉडल पर शासन होना चाहिए। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।